जय हिंद, सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लासिकल जीके ट्रिक पर। दोस्तों, आज 18 सितंबर 2021 को एग्रीकल्चर सुपरवाइजर कृषि पर्यवेक्षक का जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा एग्जाम आयोजित किया गया है, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज के पेपर में जो 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसमें पहला प्रश्न हम देखते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न पूछा गया है, अर्थ की दृष्टि से कौन सी लोकोक्ति असंगत है। जी हाँ दोस्तों, अर्थ की दृष्टि से कौन सी लोकोक्ति असंगत है। चार लोकोक्ति दी गई हैं, कौवा चले हंस की चाल, इसमें ये इक्वल दे रखा है, बिना सोचे समझे अनुसरण करना। दूसरा ऑप्शन दे रखा है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, दो असमान व्यक्तियों की तुलना। तीसरा ऑप्शन दे रखा है, जैसे सापनाथ वैसे नागनाथ, यानी कि दो व्यक्तियों में एक से अवगुण होना। और चौथा ऑप्शन है, टक्के की चटाई नौ टका विदाई, धैर्य न रखना। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू पूछा गया है, किस विकल्प का शब्द वर्तनिक दृष्टि से अशुद्ध है। जी हाँ दोस्तों, अशुद्ध शब्द पूछा गया है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, सरोजनी, दृष्टव्य, रचित्री और गृहिणी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन एक। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन एक इसका सही उत्तर होगा, सरोजनी। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री पूछा गया है, निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। जी हाँ दोस्तों, चार वाक्य दिए गए हैं आपको, इनमें से अशुद्ध वाक्य बताना है। मैंने राधा को एक पुस्तक समर्पित की, दूसरा ऑप्शन दे रखा है, यह काम कोई वकील से ही हो सकता है। तीसरा ऑप्शन है, प्रत्येक व्यक्ति को सात्विक जीवन जीना चाहिए। और चौथा ऑप्शन दे रखा है, कृपया दरवाजा बंद करने का कष्ट करें। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, जो कि अशुद्ध वाक्य है, वह काम कोई वकील से ही हो सकता है, यह अशुद्ध लिखा हुआ है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर पूछा गया है, असंगत सामासिक युग्म का चयन कीजिए। जी हाँ दोस्तों, असंगत सामासिक युग्म का चयन करना है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें नवयुवक इक्वल टू कर्मधारय समास, रुद्रप्रिया भवीर्य समास, भक्ष्य भक्ष्य द्वंद्व समास, यथाविधि तत्पुरुष समास। चारों में सामासिक युग्म का चयन करना है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, यथाविधि तत्पुरुष समास। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव पूछा गया है, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्याय नहीं है। जी हाँ दोस्तों, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्याय नहीं है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन धनुष कोदंड उरग, दूसरा ऑप्शन दे रखा है रजनी यामिनी त्रियामा, तीसरा ऑप्शन दे रखा है अर्णव उदति नदीश, और चौथा ऑप्शन दे रखा है अजित्र अमिकर औषधीश। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन एक। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन एक इसका सही उत्तर होगा, इस विकल्प के सभी शब्द पर्याय नहीं है, धनुष कोदंड और उरंग इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स पूछा गया है, जो बोलने में बहुत चतुर हो, उक्त वाक्यांश के लिए उचित एक शब्द चुनिए। जी हाँ दोस्तों, जो बोलने में बहुत चतुर हो, उस वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बातुनी, अतिशयोक्ति, वाक्पटु या वाकजाल। तो दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन, इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, वाकपटु। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन पूछा गया है, वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनिए। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बार बार युद्ध करने की इच्छा युतुषा, विजय प्राप्ति की तीव्र इच्छा चरिष्णु, और रचना करने की इच्छा श्रीषा, और कोई काम करने की इच्छा चिकित्सा। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट पूछा गया है, किस विकल्प के समस्त पद का समास विग्रह असंगत है। जी हाँ दोस्तों, कौन से विकल्प में समस्त पद का समास विग्रह असंगत है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, मुनि श्रेष्ठ, श्रेष्ठ है जो मुनि, तिरसठ, तीन और साठ, देशभक्ति, देश की भक्ति, पंचपात्र, पंचपात्रों का समूह। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, देशभक्ति, देश की भक्ति, जिसमें समस्त पद का समास विग्रह असंगत है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन।
क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। जी हाँ दोस्तों, चार शब्द दिए गए हैं, मातृभूमि, रीति अनुसार, शेष साई और अर्थछटा। इसमें आपको शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, प्रत्यय से निर्मित शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प का चयन करना है। जी हाँ दोस्तों, प्रत्यय से निर्मित शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प का चयन करना है, जिसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, ममेरा यानी कि संबंधवाचक, द्वितीय प्रत्यय से निर्मित, मेघावी, मुरेला और माननीय, चारों के बारे में दे रखा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, जिसमें मेघावी दे रखा है, कृतवाचक कृत प्रत्यय से निर्मित, जो कि असंगत विकल्प है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, किस विकल्प के शब्द का संधि विच्छेद असंगत है। जी हाँ दोस्तों, कौन से विकल्प का संधि विच्छेद असंगत है, चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन एक। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन एक इसका सही उत्तर होगा, अन्यतर अन्य प्लस उत्तर इसका सही उत्तर होगा। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, किस विकल्प के सभी शब्द मछली के पर्यायवाची हैं। जी हाँ दोस्तों, मछली के पर्याय बताने हैं, किस विकल्प के सभी शब्द मछली के पर्याय हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, सल्की, कामध्वज और कटंगी इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, किस विकल्प के शब्दयुग्म का अर्थ असंगत है। जी हाँ दोस्तों, किस विकल्प के शब्दयुग्म का अर्थ असंगत है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, कपीस, कपीस का इक्वल दे रखा है मटमेला या हनुमान, और चास का दे रखा है नीलकंठ और खेती और जुताई, आपात, आपात का दे रखा है आकस्मिक, संकट, त्वाष्टी, त्वाष्टी का संतुष्ट और नौकर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, आपात, आपात, आकस्मिक, संकट, ये सब द्वियुग्म का अर्थ असंगत है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प अनुचित है। जी हाँ दोस्तों, विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प अनुचित है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, प्रसाद, विषाद, उद्विग्न, अनुद्विग्न, देवी, आसुरी, तेजस्वी, यशस्वी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, किस विकल्प का प्रशासनिक शब्द अपने अर्थ से सुमिलित नहीं है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है, किस विकल्प का प्रशासनिक शब्द अपने अर्थ से सुमिलित नहीं है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, ऑटोनोमस और कैंटोनमेंट, अप्रूवल और इनसाइट, चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, जो कि जीके से रिलेटेड है, राजस्थान का पहला स्पाइस मसाला पार्क स्थापित किया गया था, कौन से जिले में मसाला पार्क स्थापित किया गया था, चार ऑप्शन दे रखे हैं, कोटा, उदयपुर, जोधपुर या जयपुर, चारों में बताना है, राजस्थान का पहला स्पाइस मसाला पार्क कहाँ स्थापित किया गया था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जोधपुर में। जी हाँ दोस्तों, जोधपुर इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, वर्टिसोल मृदा किन जिलों में पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, वर्टिसोल मृदा के बारे में पूछा गया है, वर्टिसोल मृदा किन जिलों में पाई जाती है, चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन की यदि हम बात करें, अलवर, जयपुर, दौसा, ऑप्शन बी में दे रखा है, झालावाड़, कोटा, बूंदी, ऑप्शन सी में दे रखा है, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, ऑप्शन डी में दे रखा है, उदयपुर, राजसमंद और अजमेर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, झालावाड़, कोटा और बूंदी, इन क्षेत्रों में वर्टिसोल मृदा पाई जाती है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे, चार ऑप्शन दे रखे हैं, अजमेर, जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जैसलमेर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी जैसलमेर इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, किस नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, किस नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं, चार ऑप्शन दे रखा है, रूपवास, भरतपुर, बेंगू, चित्तौड़गढ़, चंडावल, सोजत, मानगढ़, बांसवाड़ा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मानगढ़, बांसवाड़ा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। जी हाँ दोस्तों, ईस्वी पूछी गई है, कौन सी ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, चार ऑप्शन दे रखे हैं, 1576 ईस्वी में, 1676 ईस्वी में या 1566 या 1586। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। गोसुंडी का शिलालेख कहाँ स्थित है, चार ऑप्शन दे रखे हैं,
चित्तौड़गढ़, अजमेर, भीलवाड़ा या बारा, चारों में बताना है गोसुंडी का शिलालेख कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चित्तौड़गढ़ में। जी हाँ दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में गोसुंडी का शिलालेख स्थित है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, श्रीलाल जोशी एक प्रमुख चित्रकार हैं। आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, मांडना के, बनी ठनी चित्रकला के, पट चित्रण या फड़ के या पिचवाई के, चार ऑप्शन बता रखे हैं। श्रीलाल जोशी एक प्रमुख चित्रकार है, उनका संबंध किसी से है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पट चित्रण या फड़ के। जी हाँ दोस्तों, पट चित्रण या फड़ के श्रीलाल जोशी का संबंध है, जो कि प्रमुख चित्रकार से इनका संबंध है, पट चित्रण या फड़ के। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है, राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थानी भाषा दिवस के बारे में पूछा गया है, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, 21 फरवरी, 30 मार्च, 21 मार्च या 21 जनवरी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 21 फरवरी। जी हाँ दोस्तों, 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, सी के दवे, भूपेंद्र यादव, निरंजन आर्य या जी के व्यास, चारों में बताना है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जी के व्यास। जी हाँ दोस्तों, जी के व्यास इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, रावण हत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? जी हाँ दोस्तों, रावण हत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित पठार क्या कहलाता है? जी हाँ दोस्तों, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित पठार क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उपरमाल का पठार। जी हाँ दोस्तों, उपरमाल का पठार इसका सही उत्तर होगा। चले फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है, निम्नलिखित में किस शहर में सवाई जयसिंह द्वितीय ने वेदशाला का निर्माण नहीं करवाया था? जी हाँ दोस्तों, कौन से शहर में सवाई जयसिंह द्वितीय ने वेदशाला का निर्माण नहीं करवाया था? चार ऑप्शन दे रखे हैं, उज्जैन, जयपुर, दिल्ली, आगरा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, आगरा। जी हाँ दोस्तों, आगरा इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, कमायचा है? जी हाँ दोस्तों, कमायचा क्या है पूछा गया है, एक लोकगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र या राजस्थानी बोली? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है, हाल ही में राजस्थान में किस वन्यजीव अभयारण्य को राजस्थान का चौथा बाघ सरसी क्षेत्र अनुमोदित किया गया है? जी हाँ दोस्तों, हाल ही में राजस्थान के किस वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का चौथा वाद्य संरक्षित क्षेत्र अनुमोदित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रामगढ़। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है, बातारी फुलवारी पुस्तक के रचयिता थे? जी हाँ दोस्तों, बातारी फुलवारी पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, विजयदान दे था। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है, राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ गद्दी कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ गद्दी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सापरा भीलवाड़ा में। जी हाँ दोस्तों, सापरा भीलवाड़ा में इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है, राजस्थान में प्रमुख मक्का उत्पादक जिले कौन से हैं? जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में प्रमुख मक्का उत्पादक जिले कौन से हैं? चार ऑप्शन दे रखे हैं, कोटा और बारा, सवाई माधोपुर और करौली, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर, गंगानगर या हनुमानगढ़। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है, झालरापाटन जो कि झालावाड़ में है का सूर्य मंदिर निर्मित किया गया था? चार ऑप्शन दे रखे हैं, बप्पा रावल द्वारा, पृथ्वीराज द्वितीय के द्वारा, अर्णोराज द्वारा या नागभट्ट सेकंड द्वारा। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है झालरापाटन झालावाड़ का सूर्य मंदिर किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, नागभट्ट द्वितीय द्वारा झालरापाटन झालावाड़ का सूर्य मंदिर निर्मित किया गया था। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34
क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है, शीतकालीन वर्षा मावट होती है, ऑप्शन ए उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा, ऑप्शन बी दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा, ऑप्शन सी पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा, ऑप्शन डी दक्षिणी पूर्वी मानसून के द्वारा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा शीतकालीन वर्षा मावट होती है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है, जाजम आजम छपाई प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए दौसा की, ऑप्शन बी बाड़मेर की, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़ की। जी हाँ दोस्तों, चित्तौड़गढ़ की इसका सही उत्तर होगा, जाजम आजम छपाई चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उदयपुर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए उदयपुर इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है, राजस्थान मुख्यतः भूमि स्थलाकृति दिखाई देती है, ऑप्शन ए कोटा और बूंदी में, ऑप्शन बी गंगानगर और हनुमानगढ़ में, ऑप्शन सी जैसलमेर और बाड़मेर में, ऑप्शन डी दे रखा है सवाई माधोपुर करौली और धौलपुर में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, सवाई माधोपुर करौली और धौलपुर में राजस्थान में उत्खात भूमि स्थलाकृति दिखाई देती है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है, मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा आयोजित किया जाता है, ऑप्शन ए श्रावण माह में, ऑप्शन बी माघ माह में, ऑप्शन सी अश्विनी माह में, ऑप्शन डी पूछा गया है दिया गया है चैत्र माह में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी चैत्र माह में। जी हाँ दोस्तों, मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा में आयोजित किया जाता है चैत्र माह में। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है, भड़ला या भड़ला सोलर पार्क अवस्थित है, ऑप्शन ए जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर या झालोर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जोधपुर में। जी हाँ दोस्तों, भड़ला या भड़ला सोलर पार्क जोधपुर में स्थित है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है, पोथी खाना संग्रहालय स्थित है कोटा, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जयपुर में। जी हाँ दोस्तों, जयपुर इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है, कौन सी फसल को कैमल क्रॉप कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, कौन सी फसल को, यहाँ से एग्रीकल्चर की क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है, कौन सी फसल को कैमल क्रॉप कहा जाता है, ऑप्शन ए मोठ, ऑप्शन बी ज्वार, ऑप्शन सी बाजरा, ऑप्शन डी मक्का। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ज्वार। जी हाँ दोस्तों, ज्वार को कैमल क्रॉप कहा जाता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सी बाजरा पर एक परजीवी खरपतवार है, ऑप्शन ए लोरेंथस स्पीसीज, ऑप्शन बी स्ट्राइगर स्पीसीज, ऑप्शन सी कस्कुटा स्पीसीज, ऑप्शन डी दे रखा है ओरोबैंकी स्पीसीज। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है, किस प्रकार के मृदा अपरदन में मृदा मैट्रिक्स परिवेश नष्ट हो जाता है लेकिन लंबी अवधि तक पता नहीं चलता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, रिल अपरदन, परत अपरदन, धारापट अपरदन या अवनालिका अपरदन। कौन सी कंडीशन में मृदा अपरदन में जो है मृदा मैट्रिक्स परिवेश नष्ट हो जाता है लेकिन लंबी अवधि तक पता नहीं चलता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी परत अपरदन। जी हाँ दोस्तों, परत अपरदन इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है, निम्नलिखित में किस अनाज की फसल में लाइसिन और ट्रिप्टोफेन की मात्रा सबसे कम होती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मक्का। जी हाँ दोस्तों, मक्का इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है, अंधी गुड़ाई में सिफारिश की जाती है, ऑप्शन ए गन्ना, बी दे रखा है मक्का, ऑप्शन सी दे रखा है सोयाबीन, ऑप्शन डी कपास। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गन्ना। जी हाँ दोस्तों, गन्ना इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना वर्ष 1875 में यहाँ पर मुख्यालय के साथ की गई थी, ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी कोलकाता। जी हाँ दोस्तों, भारतीय मौसम विभाग की स्थापना 1875 में वहाँ पे मुख्यालय के साथ की गई थी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कोलकाता। जी हाँ दोस्तों, कोलकाता इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47।
क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है, भरतपुर व करौली जिले राजस्थान के कौन से कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं। जी हाँ दोस्तों, भरतपुर व करौली जिले के बारे में पूछा गया है, राजस्थान के कौन से कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, थर्ड बी। जी हाँ दोस्तों, थर्ड बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, जौ का वानस्पतिक नाम क्या है। जी हाँ दोस्तों, जौ का वानस्पतिक नाम पूछा गया है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ साइंस प्रणाली के मिट्टी के वर्गीकरण के अनुसार सिल्ट के कणों का व्यास कितने mm होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस प्रणाली के मिट्टी के वर्गीकरण के अनुसार सिल्ट के कणों का व्यास कितने मिमी होना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, इसका सही उत्तर होगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, 0.02 से 0.002 इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सी बासमती गुणवत्ता वाले चावल की संकर किस्म है। जी हाँ दोस्तों, चार किस्म दे रखी है, बासमती 370, माही सुगंधा, PRH 10 और पूसा बासमती, कौन सी जो है बासमती गुणवत्ता वाले चावल की संकर किस्म है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया है, राष्ट्रीय कृषि बाजार एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रोसंबंधी ट्रेंडिंग पोर्टल है जिसका शुभारंभ कब किया गया था। 14 अप्रैल 2017 को, 14 अप्रैल 2019 या 14 अप्रैल 2018 या 14 अप्रैल 2016 को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 14 अप्रैल 2016 को। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया है, इसे रेशों का राजा भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, कौन किसे रेशों का राजा कहा जाता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, जूट, कपास, सनई या फ्लेक्स। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, यह वाष्पीकरण में प्रयुक्त पानी की प्रति इकाई उत्पादित विपणन योग्यता फसल की उपज है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, जल भंडारण दक्षता, जल वितरण दक्षता, जल अनुप्रयोग दक्षता या जल उपयोग दक्षता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, जल उपयोग दक्षता। यह वाष्पीकरण में प्रयुक्त पानी की प्रति इकाई उत्पादित विपणन योग्य फसल की उपज है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया है, आधार बीज फाउंडेशन सीड के थैले पर किस रंग का टैग लगा रहता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सफेद। जी हाँ दोस्तों, सफेद इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया है, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया है, पंजाब छुआरा किस फसल की किस्म है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, टमाटर। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 है, हिसार सुगंध DS-36 फसल की एक महत्वपूर्ण किस्म है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, धनिया। जी हाँ दोस्तों, धनिया की किस्म है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 है, एक मृदा जिसका स्थूल घनत्व दे रखा है 1.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर एवं कण घनत्व दे रखा है 2.65 ग्राम पर घन सेंटीमीटर, इसके रंध्रावकाश की प्रतिशतता क्या होगी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 42। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी 42 इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान CIAE की स्थापना कहाँ की थी। ऑप्शन ए जबलपुर, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी झांसी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भोपाल। जी हाँ दोस्तों, भोपाल इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, 10 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु 150 किलोग्राम नत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से कितने यूरिया किलोग्राम की आवश्यकता होगी। 306 किलोग्राम, 690 किलोग्राम, 3255 किलोग्राम या 325 किलोग्राम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, 3255 किलोग्राम। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया है, ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। ऑप्शन ए परोदा, ऑप्शन बी स्वामीनाथन, ऑप्शन सी वॉल्टर जेम्स लॉर्ड नॉर्थबोर्न, ऑप्शन डी दे रखा है वेलफोर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वॉल्टर जेम्स लॉर्ड नॉर्थबोर्न। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 है, प्राइड ऑफ इंडिया निम्नलिखित में किस फसल की किस्म है। जी हाँ दोस्तों, प्राइड ऑफ इंडिया निम्नलिखित में
किस फसल की किस्म है, चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पत्ता गोभी। जी हाँ दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पत्ता गोभी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया है, यह पौधों की सदाई की एक कला है जिसमें पौधों को जानवरों, पंछियों या डोम्स जैसी सजावटी आकार दिया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा टोपी एरी। जी हाँ दोस्तों टोपी एरी इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है, भंडारण के दौरान प्याज के फुटान को रोकने के लिए कौन सा भड़वार नियंत्रक प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए जिब्रेलिक एसिड, ऑप्शन बी मोलिक हाइड्राजाइड, ऑप्शन डी सी दे रखा है साइकोसेल, ऑप्शन डी दे रखा है इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा मोलिक हाइड्राजाइड। अगले फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया है, कौन सी एक प्रणालीगत कीटनाशक है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, क्विनोलफॉस, ऑप्शन बी दे रखा है मेलाथियोन, ऑप्शन सी दे रखा है क्लोरोफायरीफॉस और ऑप्शन डी दे रखा है डाइमिथोएट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा डाइमिथोएट इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। कुपरी पुखराज, कुपरी शीतमान तथा कुपरी अलंकार किसकी किस्में हैं। चार ऑप्शन दे रखा है, फूलगोभी, आलू, मूली और बैंगन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा आलू। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया है, यह फल भारत के लिए स्वदेशी है। कौन सा फल भारत के लिए स्वदेशी है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, पपीता, बेर, सेब या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बेर। जी हाँ दोस्तों बेर भारत के लिए स्वदेशी है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया है, नर्सरी में पौधे उगाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा उपयुक्त माध्यम हो सकता है। ऑप्शन ए मृदा, ऑप्शन बी स्पेग्नमॉस, ऑप्शन सी दे रखा है परलाइट, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया है, खजूर का वानस्पतिक नाम क्या है। जी हाँ दोस्तों खजूर का वानस्पतिक नाम पूछा गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है, सिंचाई की वह प्रणाली पौधे को उसके उपयोग उपभोग्य उपयोग के बराबर पानी की आपूर्ति करती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली योजना। जी हाँ दोस्तों बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली के तहत उसके उपयोग उपयोग के लिए बराबर पानी की आपूर्ति करती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है, वाइटिस विनिफेरा किस फसल का वानस्पतिक नाम है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अंगूर। जी हाँ दोस्तों अंगूर इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया है, जैम में साधारणतः TSS प्रतिशत होती है। ऑप्शन ए 90.5%, ऑप्शन बी 70.5%, ऑप्शन सी दे रखा है 80.5% और ऑप्शन डी दे रखा है 68.5%। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 68.5%। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है, आमतौर पर कितने प्रतिशत पेक्टिन अच्छी जेली बनाने के लिए पर्याप्त होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा 0.5 से 1.0। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। शुगर बेबी किस फसल की प्रजाति है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी तरबूज। जी हाँ दोस्तों तरबूज इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 74 पूछा गया है, गमोसिस किस फसल से संबंधित है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, आम, नींबू वर्गीय फल, बेल और पपीता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है, जिब्रेलिन्स की खोज जापानी वैज्ञानिक ने कौन से वर्ष में वर्ष 1926 में की थी जिब्रेलिन्स की खोज। तो दोस्तों जापानी वैज्ञानिक का नाम बताना है, ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी दे रखा है कुरुसोवा, ऑप्शन सी दे रखा है एंटोसोवा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा कुरुसोवा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। विश्व में आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। ऑप्शन ए भारत, चीन, थाईलैंड, म्यांमार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भारत। जी हाँ दोस्तों भारत विश्व में आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77।
क्वेश्चन नंबर 77 पूछा गया है, लिकोरिस को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 पूछा गया है, इसको चाइनीज लेयरिंग, पोर्ट लेयरिंग या मार्कोटेज या गुटी के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एयर लेयरिंग। जी हाँ दोस्तों, एयर लेयरिंग इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। पुष्कर की किसकी खेती के लिए जाना जाता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, खजूर, गुलाब, गुलदाउदी या टमाटर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गुलाब। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा फल सूखा प्रतिरोधी है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, अमरूद, अंगूर, आम और अनार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अनार। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है, क्रेपा हिकर्स का वैज्ञानिक नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, क्रेपा हिकर्स किसका वैज्ञानिक नाम है? ऑप्शन ए भेड़ का, ऑप्शन बी दे रखा है भैंस का, ऑप्शन सी गोवंश का, ऑप्शन डी बकरी का। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बकरी का। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 पूछा गया है, निम्नलिखित में किसका प्रयोग पशुओं में विरंचक के रूप में किया जाता है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अरंडी का तेल, मैग्नीशियम सल्फेट या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मैग्नीशियम सल्फेट। जी हाँ दोस्तों, मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग पशुओं के विरंचक के रूप में भी किया जाता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। निम्न में से बकरी की विदेशी नस्ल कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 पूछा गया है, खींच के बारे में निम्न में कौन सा तथ्य सही नहीं है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, खींच से विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है, खींच को शरीर भार के 20% दर से देना चाहिए, खींच को नवजात पशु के जन्म के बाद आधे से दो घंटे के अंदर देना चाहिए, खींच विरचक के रूप में कार्य करता है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 है, यदि दूध का CLR 28 है तो दूध का विशिष्ट गुरुत्व क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, दूध का विशिष्ट गुरुत्व पूछा है, यदि दूध का CLR 28 है तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, 1.028। जी हाँ दोस्तों, 1.028 इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। निम्न में से भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मेरिन्स भी कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मेरीना भी कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चोकला। जी हाँ दोस्तों, चोकला इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। नवीनतम पशुधन गणना के अनुसार भारत के सभी राज्यों में बकरी की आबादी में राजस्थान का स्थान है? ऑप्शन ए तीसरा या पहला, चौथा, दूसरा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पहला। जी हाँ दोस्तों, पहला स्थान है नवीनतम पशुधन गणना के अनुसार भारत की सभी राज्यों में बकरी की आबादी में राजस्थान का पहला स्थान है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 पूछा गया है, गर्भर टेस्ट का उपयोग किया जाता है दूध की अम्लता ज्ञात करने के लिए, दूध में वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए, या दूध में SNF प्रतिशत ज्ञात करने के लिए, या दूध में प्रोटीन प्रतिशत ज्ञात करने के लिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दूध में वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए गर्भर टेस्ट का उपयोग किया जाता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 पूछा गया है, हीपर को कहा जाता है, ऑप्शन ए व्यस्क मवेशी, ऑप्शन बी पहले प्रसव से पहले युवा मादा मवेशी, ऑप्शन सी दे रखा है नर युवा बैल, ऑप्शन डी दे रखा है पहले स्तनपान के बाद गायें। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 पूछा गया है, हेसिया के आकार का सींग निम्नलिखित में से किस भैंस की नस्ल की विशेषता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, सुरती। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 पूछा गया है, एक वयस्क पूर्ण मुंह वाले ऊंट में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, 34। जी हाँ दोस्तों, एक वयस्क पूर्ण मुंह वाले ऊंट में दांतों की कुल संख्या 34 होती है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 पूछा गया है, मुंह पक्का या खुरपका रोग है? ऑप्शन ए जीवाणुजन्य, ऑप्शन बी परजीवीजन्य, ऑप्शन सी विटामिन की कमी वाला रोग, ऑप्शन डी दे रखा है संसर्गज। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। विश्व की सबसे लोकप्रिय ऊनी भेड़ की नस्ल कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, विश्व की सबसे लोकप्रिय ऊनी भेड़ की नस्ल बतानी है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, कोरिडेल, रेम्बोलिएट, मेरिनो या लिंकन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा
ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। मेमने में पूंछ हटाने को कहा जाता है डिटेलिंग, ऑप्शन बी दे रखा है डॉकिंग, ऑप्शन सी दे रखा है डिटेचिंग और ऑप्शन डी दे रखा है नोकिंग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 पूछा गया है, निम्नलिखित दवाओं में से कौन सी जानवरों में इस्तेमाल होने वाला कृमिनाशक दवा है? ऑप्शन ए पोटेशियम परमैंगनेट, ऑप्शन बी दे रखा है ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, ऑप्शन सी दे रखा है मेलोक्सिकेम, ऑप्शन डी दे रखा है आइवरमेक्टिन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। गाय की होलिस्टीन फ्रीसियन नस्ल का उत्पत्ति स्थल है स्विट्जरलैंड, हॉलैंड, स्कॉटलैंड या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हॉलैंड। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 पूछा गया है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान स्थित है ऑप्शन ए भोपाल में, ऑप्शन बी अविकानगर राजस्थान में, ऑप्शन सी नई दिल्ली में, ऑप्शन डी कुशीनगर में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अविकानगर। जी हाँ दोस्तों, अविकानगर राजस्थान में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थित है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 पूछा गया है, तांबे के रंग का शरीर भैंस की किस नस्ल की विशेषता है? ऑप्शन ए मुर्रा, ऑप्शन बी कुंडी, ऑप्शन सी बदावरी, ऑप्शन डी दे रखा है नीली रावी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 पूछा गया है, भारत में पाई जाने वाली ऊंट की कुबड़ युक्त अरेबियन प्रजाति को सामान्यतः कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। किस कुक्कुट रोग को न्यू कैंसल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रानीखेत। जी हाँ दोस्तों, रानीखेत इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने जो आज 18 सितंबर 2021 को एग्रीकल्चर कृषि पर्यवेक्षक का जो एग्जाम हुआ है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा, उसके 100 क्वेश्चनों को डिटेल से डिस्कस किया। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।